हेलो एवरीवन आई एम किंजल एंड दिस इज आरुषि मैम हेलो यस एंड वी आर ह्यर प्रेजेंटिंग वेरी न्यू वैकेंसी विच हैज़ बीन रिलीज टूडे इट्सल्फ आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है विच इज़ बेसिकली कॉल पंजाब एंड सिंध बैंक की वेकेंसी दिस इज़ अ मैनेजेरियल लेवल पोस्ट और अगर आप एजड हैं थोड़े से इफ़ यू हैव अ सर्टन क्राइटेरिया ऑन एज दैन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब के लिए पोस्ट आया है अच्छा एक आपको बता दें कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्लास टू और क्लास थ्री जॉब्स के लिए पोस्ट आया हुआ है और इसकी इम्पॉटेंट डेट्स ये है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन uh, uh, भरना स्टार्ट होगा फ्रॉम द फिफ्थ दैट मींस फ्रॉम टुडे सेल्फ आप एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं टिल ट्वेंटी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं टिल ट्वेंटी अब uh, मैम आके आपको और भी डिटेल्स बताएंगी सारी पोस्ट की येस सो गाइज़ एप्लीकेशन जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा यानी कि लास्ट मोमेंट में आपका एग्जामेशन सेंटर जो है चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया सारी पोस्ट के लिए मीट करता है तो ट्वेंट थर्टी फाइव ईयर्स तक का एज लिमिट है इसके इन अलग अलग पोस्ट्स आई हैं उनके लिए अपलाई करने के लिए सो लेट हैव अ लुक एट द पोस्ट ये मैनेजीरियर लेवल ग्रेड टू और ग्रेड थ्री यानी कि जो एम एम जी एस थ्री है वो सीनियर मैनेजर लेवल का पोस्ट है और एम एम जी एस टू विल बी द जूनियर मैनेजर लेवल पोस्ट ठीक है तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आई हैं टेक्निकल ऑफिसर की फायर सेफ्टी ऑफिसर देन वी आल्सो हैव द फॉरेक्स ऑफिसर मार्केटिंग अगर आप सबसे ज्यादा पोस्ट देखो तो मार्केटिंग में मार्केटिंग में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देर आर अ टोटल ऑफ ट्वेंटी फ़ाइव पोस्ट एंड उसके बाद फॉरेक्स ऑफिसर के लिए थर्टीन पोस्ट्स आए हैं और अगर आ, हम लोग बाकी सारे उस उसके लिए देखें तो फॉरेक्स डीलर है ट्रेजरी डीलर है इन सब का अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रेजरी डीलर के लिए अप्लाई करना है देन यू विल हैव टू बी अगर आपका सी ए का क्वालिफिकेशन uh, है या फिर आपने कैब का एग्ज़ाम क्लियर किया है आई एफ बी से या फिर uh, ट्रेजरी डीलर uh, का एग्ज़ाम आप लोगों ने क्लियर किया है आई एफ बी से तो उसके लिए आप अप्लाई uh, कर सकते हो रो यहाँ पर आप अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अगर कहीं स्कोप बन रहा है तो आई गेस मैम इट इज़ मार्केटिंग ऑफिसर एंड फॉरेक्स ऑफिसर राइट फॉर मार्केटिंग ऑफिसर का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे तो यू मस्ट हैव अ पी जी डी एम एम बी ए बेसिक अगर आपका होगा तो यू विल बी यू विल बी एबल टू अप्लाई राइट और उसके अलावा uh, यस रिजर्वेशन अपर एज का रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है रिलैक्सेशन क्राइटेरिया शेड्यूल ट्राइब ओबीसी नॉन क्रीमी क्लेयर्स के लिए तीन साल का रिलैक्सेशन है शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए पाँच साल का रिलैक्सेशन है राइट right? इसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है किंजल मैम डिस्कस करेंगे नहीं नहीं शायद हाँ. मैम एक बच्ची पूछ रही है कि इफ इट इज अ गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब आप uh, देखो क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे आप जाओ गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है सी दिस इज़ पंजाब एंड सिंध बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है पंजाब एंड सिंध बैंक सो कोर्स इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब कोर्स इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब और मैनेजीरियल लेवल टू और मैनेजीरियल लेवल थ्री के लिए पोस्ट आई हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जो मैनेजीरियल लेवल टू के पोस्ट के लिए जो लोग एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए उनका सलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा और मैनेजीरियल लेवल थ्री दैट इज़ सीनियर लेवल ियल पोस्ट के लिए आपको डायरेक्टली आपका प्रोफाइल आपका एनालाइज करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन इंटरव्यू किया जाएगा इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या सीन है किंजल मैम विल फर्दर इलाबोरेट यू गाइज अबाउट इट थैंक यू मैम मैम सो सो द The reservation uh, for all the candidates will be as per the clause of a certain section. You can read that clause here. What we are going to discuss here is. Uh, agar, just a minute. Yes, ma'am. तो यहाँ पे कुछ अगर हम लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में देखें इफ़ वी सी अ लिटल अबाउट रिजर्वेशन क्राइटेरिया तो यहाँ पे हम लोग एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे तो स्पेशल बात स्पेशल uh, इस इसमें एस्पेक्ट ये है कि पर्सन है नाइनटीन एटी फोर रायर्स पंजाब एंड सिंध बैंक ने स्पेशल एज रिलैक्सेशन दिया है टू ऑल द पर्सन हैव बीन एफेक्टेड बाई नाइनटीन एटी फोर रायर्स एंड एज रिलैक्सेशन ऑफ फाइव ईयर्स ठीक है उसके अलावा ओ बी सी

<coughs> आप उसको अलग से पढ़ लीजिएगा और बेंच मार्क डिसेबिलिटीज में अम, कोई भी एलिजिबल बेंच मार्क डिसबिलिटी है अगर उसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एग्जामिनेशन में तो उसके लिए भी कॉम्पनसेटरी टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा वेल बिफोर द दे डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द नोटिफिकेशन दैट वी रियली नीड टू डिस्कस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैम हाँ

डिग्री होता है बैचलर्स का दैट मीन्स ग्रेजुएशन अगर आपने आर्किटेक्चर में किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको ऑटो कैड का भी नॉलेज होना चाहिए यू शुड ऑल्सो हैव थ्री इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम तीन साल का क्वालिफिकेशन uh, एक्सपीरियंस होना चाहिए बट दैट शुड बी रिलेटेड टू द फील्ड इन बी एफ एस आई सेक्टर आपको बी एफ एस आई सेक्टर से रिलेटेड फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए yes, The next is Fire Safety Officer which is also a grade level 2 job and in this the age relaxation is 25 to 35 years, this is you need a Bachelor's in Fire Engineering or BE in Fire or Tech in uh, Safety and Fire Engineering, Fire Technology and Safety Engineering इसके अलावा आप ए अच्छा बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये फायर वाली डिग्री है इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी या फिर डिविजनल ऑफिसर की डिग्री है फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड बैचलर्स और इज यू है ग्रेजुएशन फ्राम फायर इंजीनियर फायर इंजीनियर्स इंडिया इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी बैचलर्स डिग्री किसी भी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू ऑल्सो हैव द एक्सपीरियंस इन फायर सेफ्टी अगर आपके पास फायर सेफ्टी इन हाई राइज बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग के लिए अगर कम से कम पाँच साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे दो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट आई हैं वो है फॉरेक्स ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर्स की hmm. तो फॉरेक्स ऑफिसर अच्छा इन सारी पोस्ट में इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को जाननी ये है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 इयर्स का है ठीक है 35 इयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज आर थर्टी प्लस अगर आपके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है तो भाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ठीक है क्योंकि इसमें फिर मान लो कि अगर आप फायर सर्विस की फील्ड को बिलोंग करते हो तो इट विल नॉट बी अनफेयर कि ठीक है आपका फील्ड एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो यू आर वेल एंड गुड एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन यहाँ पे फॉरेक्स ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की बात करिए तो फॉरेस्ट फॉरेक्स ऑफिसर में भी टू ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन का बेसिक एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉरेक्स यानी कि फॉरन एक्सचेंज की फील्ड में सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आई से आपने एम बी ए किया दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका फिर यहाँ पे उसके बाद अगर आपका फॉरन एक्सचेंज ऑपरेशन में दो साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो यू आर गुड टू गो गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट उसके अलावा अगेन मार्किटिंग ऑफिसर तो फॉरैक्स ऑफिसर एंड मार्किटिंग ऑफिसर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज ऑफ यू हुव ऑलरेडी डन दर पी जी डी एम या फिर एम बी ए कहीं से भी किया हो रिस्पेक्टिव फील्ड में तो यहाँ मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट आपको चाहिए स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मांगा है यानी कि जनरल एम अगर आपका है बट स्पेशलाइजेशन सपोज आपका फाइनेंस में है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे यू हैव टू हैव अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग यू हैव कंप्लीटेड एम बी एच आर सो विल आई बी एबल टू अप्लाई फॉर मार्केटिंग ऑफिसर सी यहाँ पे एज पर वर्ट द नोटिफिकेशन इज सेंग कि टू टाइम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा ठीक है और पीजीडीएम डी एम बिजनेस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग सो यहाँ पे विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग का जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है वेदर इट इज मैंडेटरी और नॉट कै नॉट से बट वी शुड गो बाई वॉट द नोटिफिकेशन इज सेंग जो नोटिफिकेशन कह रहा है उसी के अनुसार हमको ये समझना चाहिए कि हाँ ठीक है आपको मार्केटिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा है चार साल का क्वालिफिकेशन के बाद बी एफ एस आई सेक्टर में यानी कि बिजनेस फाइनेंस एंड स्पेशलाइजेशन के सेक्टर में आपको चार साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन देह है वास्ट और राइट उसी की तरह फॉरेस्ट फॉरेक्स ऑफिसर एम एम जी एस सीनियर लेवल यानी कि फॉरेक्स ऑफिसर में एम एम जी एस टू और एम एम जी एस थ्री तीनों दोनों की ही पोस्ट आई है अगर आप एम एम जी एस टू के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा एम एम जी एस थ्री के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपको आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर दिया जाएगा पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर लेटे कम डाउन टू दोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर फर्स्ट लेटेस अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया यहाँ पे फॉरिक्स ऑफिसर का जो सीनियर लेवल मैनेजीरियल पोस्ट है यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इट शुड बी इधर इफ़ यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री लाइक चार्ट अकाउंटेंसी का प्रोफेशनल डिग्री है राइट मैम या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है और यू हैव यू जी सी इन एनी ऑफ द रिलेटेड सब्जेक्ट कोर्स या फिर फुल टाइम एम बी ए यहाँ पे एंड फुल टाइम एम बी ए लिखा है एंड फुल टाइम एम बी ए मीन्स फुल टाइम एम बी ए इन फाइनेंस इज नॉट ऑप्शनल इट इज़ मैंडेट्री ओवर फुल टाइम एम बी ए यहाँ पे मैंडेट्री है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशन इन फाइनेंस और राइट मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं और वो ये है कि आई आई एफ बी दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है सर्टिफिकेट इन ट्रेजरी प्रोफेशनल का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ये दोनों ही आई एफ बी में से इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई और राइट और तीन साल का एक्सपीरियंस ठीक है The next post that we are talking about here is a treasury dealer in MMGS थी। Now see यहाँ पे भी the age limit is same 25 to 35 years और इसमें देखिए uh, essential qualification उन्होंने मांगा है या तो आप CA A हैं या फिर आप C M E हैं या C ऐसी कोई भी आपके पास professional degree हो और आपके पास 55% होने चाहिए graduation degree में। तो see yes फुल टाइम एम बी ए इन फाइनेंस एंड पी जी डी एम और इसके साथ ही जो हमारे डिजायरेबल सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे वो हैं सर्टिफिकेट ट्रेजरी कोर्स डीलर कोर्स ऑफ आई आई बी एफ उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑफ़ एन आई बी एम सी आई ए बी और डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट इसके आपके पास कम से कम पाँच साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है डिजायरेबल है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं यहाँ पे ये सब डिजायरेबल हाँ, ये सारे जो क्वालिफिकेशन है ये सारे डिजायरेबल है ये मैंडेटरी नहीं है ठीक है और यहाँ पे लास्ट डेटा ऑफिसर का पोस्ट आया है यहाँ पे भी उससे क्वालिफिकेशन है और बाकी सारे फीचर्स है स्केल ऑफ पे है प्रोबेशन पीरियड है ये सारे टेक्निकल डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है अप्लाई कैसे करना है अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैम uh, इसमें भी यही लिखी गई है कि लास्ट मोमेंट में सेंटर को चेंज नहीं किया जाएगा तो आप टाइम पे अपने डिज़ायर्ड सेंटर में एग्जाम uh, सेंटर अगर चाहते हो तो टाइम पे आप फॉर्म भर लो फॉर्म भरने के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू द पंजाब एंड सिंध बैंक वेबसाइट एंड यहाँ से रिक्रूटमेंट uh, में जाना है राइट रिक्रूटमेंट में जाना है एंड दिस इज लैटरल रिक्रूटमेंट फॉर स्पेशल स्पेशलिस्ट ऑफिसर हाँ यू जस्ट क्लिक ह्यर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड यहाँ आप आपको आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो ओके सो थैंक यू सो मच फॉर एनी अदर एनी फर्दर डाउट्स डू मैंशन योर डाउट्स इन द कॉमेंट्स बिलो एंड वी विल केटर टू योर डाउट एंड बाकी सारी डिटेल्स रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन यू विल फाइंड इन द पी डी एफ दैट इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ईट सो मैम ओके सो आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव अंडरस्टूड understood whatever वी tried टू से आपको इस जॉब के बारे में और भी डिटेल्स हम दे देंगे बाद में बट फॉर now, अगर आपको नहीं समझ में आया है मेक श्योर यू गो थ्रू entire वीडियो once अगेन जितनी भी पोस्ट हैं उन सबकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैम ने और मैंने बता दी हैं आप कोशिश करें कि आप इस वीडियो को फिर से देख लें टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल थैंक यू एंड हैव अस डे अड बाय